कक्षा 8 विषय संस्कृतम क्या है, आज चालू कर रहे हैं अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधनम यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज मैं कुछ अशुद्ध वाक्य लिख के और आपको बता रहा हूँ, जैसे विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति, पहला है। दूसरा, पिता पुत्रं सह आपणं गच्छति, ठीक है। तीसरा है, वृक्षं पत्रं पतति। नंबर 4 पे है, सह जटासु तापसः प्रतीयते। अब इन 4 उदाहरणों को पहले तो शुद्ध करके हम देखते हैं। ये मत सोचना कि 4 है, लेकिन इन 4 को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। पहली बात, पहला उदाहरण है विद्यालय से परितः वृक्षा शांति। तो आपको बता दे, कारक कहता है कि परित शब्द से योग, परित शब्द से योग सर्वदा यानी हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति, द्वितीय विभक्ति प्रयोग भवति। ये कारक कहता है कि परित शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ भी देखिए परित शब्द भी आया हुआ है, लेकिन इससे पहले जो शब्द आया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति। यानी ये गलत है, क्योंकि परित शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। ये शुद्ध होगा, क्यों, क्योंकि परित शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो अब किया हुआ है उससे पहले षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ था। ये शुद्ध रूप लिख रहा हूं, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है, ये क्या है, अशुद्ध लिखा हुआ, इनको नीचे शुद्ध करके मैं लिख रहा हूं, पहला लिख दिया। दूसरा देखो, पिता पुत्रम सह आपणम गच्छति, इसमें भी कारक क्या कहता है, तो कारक का दूसरा नियम, सह शब्द से योगे, सह शब्द से योगे यानी सह शब्द के योग में सर्वदा यानी हमेशा, सह शब्द से योगे यानी सह शब्द के योग में सर्वदा तृतीय विभक्ति प्रयोग, तृतीय विभक्ति
प्रयोग भवति। शाह शब्द से योग सर्वदा तृतीय विभक्ति प्रयोग भवति, यानी शाह शब्द के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां शाह शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, पिता पुत्रम शाह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये अशुद्ध हो गया। इसको शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्रेण सह, पुत्रेण सह आपणम गच्छति, आपणम गच्छति, यानी पिता पुत्र के साथ बाजार जा रहा है। अगला है वृक्षम पत्रम पतति, वृक्षम पत्रम पतति नियम है। तीसरा पृथक कारणात्, यानी पृथक के कारण से, यानी अलग होने के कारण से, या ऐसे लिख दे कि अलग होना, यानी आप कह सकते हो कोई भी चीज या कोई वस्तु या व्यक्ति जब किसी चीज से अलगाव दूरी होती है, अलगाव होता है, तो वहां पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आप लिख देंगे पृथकस्य भावे, यानी अलगाव के भाव में पंचमी विभक्ति प्रयोग वर्तते, यानी अलगाव के युग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। वृक्षम पत्रम पतति, यानी पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो जिससे जो अलग होता है उसमें पंचमी व्यक्ति किया जाता है। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे पत्ते में क्या होगा, पंचमी व्यक्ति। तो वृक्षम, सॉरी, जो अलग होता है उसमें नहीं, जिससे अलग होते हैं उसमें, यानी पेड़ का पत्ता किससे अलग हो रहा है, पेड़ से। तो पेड़ शब्द में वृक्षात पत्रम पतति। अब अगला नियम है नंबर चार, कहा जा रहा है सह जटासु तापस प्रतीयते, यानी किसी चिन्ह के द्वारा किसी की पहचान होती हो, किसी चिन्ह के द्वारा किसी की पहचान हो रही है, तो पहचान कराने वाले जो चिन्ह के लिए शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सह जटासु, यहां सब षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन आ गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सह जटा भी, चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन लगाएंगे, तृतीय चतुर्थी का बहुवचन जटा भी, तापस प्रतीयते, तापस प्रतीयते। तो इस प्रकार से देखिए अशुद्धि संशोधन के लिए कारक आना अति आवश्यक है। आज जो उदाहरण कराया इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।